हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर से हम ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स का सब्जेक्ट को शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ई कॉमर्स की डेफिनेशन क्या है, उसके कुछ प्रोस्पेक्ट्स देखेंगे कि हम किस प्रोस्पेक्ट्स में ई कॉमर्स की बात करते हैं, और ई कॉमर्स का एक हम जनरल प्रोसेस देखेंगे कि ई कॉमर्स काम कैसे करता है। तो मैं पूरे वीडियो लेक्चर सीरीज़ में छोटे छोटे वीडियोज़ की मदद से आपको पूरा सब्जेक्ट का सिलेबस कवर करने की कोशिश करूँगा। मैं ट्राई करूँगा जितना ज़्यादा मैं हो सकता है उतने ज़्यादा डायग्राम्स की मदद से इस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि ई कॉमर्स है क्या। ई कॉमर्स होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, तो जिसमें ई का जो मतलब है, यहाँ पे ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। और जब हम कॉमर्स की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कोई बिजनेस करना, या फिर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो उस प्रोडक्ट को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक की मदद से खरीद रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो इंटरनेट की मदद से खरीद रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स। तो जनरली जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं दुकान के ऊपर, वहाँ पे हम उस चीज़ को देखते हैं, उसका प्राइस नेगोशिएट करते हैं और चीज़ को परचेज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर जब ई कॉमर्स की बात होती है तो हम कहते हैं कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने इंटरनेट के द्वारा, इंटरनेट की मदद से मोबाइल पे या फिर डेस्कटॉप के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर उस पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन करेंगे, प्रोडक्ट को देखेंगे, उसका प्राइस अगर हमें ठीक लगता है, उस पर जो डिस्काउंट हमें अगर ठीक लगता है तो हम उसको ऑर्डर कर देंगे और वो चीज़ घर पे हमें डिलीवर हो जाएगी। तो ये जो सारा चीज़ है वो ई कॉमर्स के अंदर कवर हो जाता है। तो अब जिसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं, दो डिफरेंट डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर लिखी है। सबसे पहले क्या है, दैट इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ की बिजनेस प्रोसेस थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी। कि नॉर्मल तो बिजनेस हो ही रहा है, अब भी हो रहा है, जहाँ पे आप दुकान पे जाते हो, तो उस बिजनेस का ट्रांसफॉर्मेशन है, उस बिजनेस का एक चेंज है, किसकी मदद से, इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो दैट ई कॉमर्स इज बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज और प्रोडक्ट्स ओवर डिजिटल मीडिया। और यहाँ पे हम डिजिटल मीडिया के बारे में जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हम किसी इंटरनेट की वेबसाइट से खरीद रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि आप किसी मोबाइल की ऐप से खरीद रहे हो। सो बेसिकली अगर आप दोनों चीज़ों को देखोगे तो ये क्या कह रहा है कि ट्रेडिशनल बिजनेस को अगर हम इंटरनेट की मदद से या फिर डिजिटल मीडिया की मदद से उस बिजनेस को चला रहे हैं तो हम उसको कहते हैं ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स के कुछ प्रोस्पेक्ट्स हैं जिसकी मदद से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं और भी ज़्यादा अच्छे तरह से। सबसे पहला होता है कम्युनिकेशन। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज़ द डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट सर्विसेज और पेमेंट वाया टेलीफोन लाइंस और कंप्यूटर नेटवर्क। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे वो इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन हो रहा हो या फिर प्रोडक्ट्स का कम्युनिकेशन हो रहा हो, पेमेंट्स का कम्युनिकेशन हो रहा हो, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है, आइदर टेलीफोन लाइंस और कंप्यूटर नेटवर्क। सो पहला प्रोस्पेक्ट क्या है, कम्युनिकेशन। देन द सेकंड प्रोस्पेक्ट इज बिजनेस प्रोसेस। नाउ इन दिस द बिजनेस प्रोसेस इज ऑटोमेटेड विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग, और वी कैन से बाई विद द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो बिजनेस प्रोसेस है उसको ऑटोमेट करते हैं। सो इट इज़ द ऑटोमेशन ऑफ प्रोसेस विद द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अब देखो ऑटोमेशन कैसे हो रहा है। जब आप दुकान के ऊपर जाते हो, किसी शॉप के ऊपर जाते हो, तो वहाँ पे आप देखते हो कि एक कोई भी एक शॉप का ओनर जो होगा वो आपके प्रोडक्ट का बिल, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ एक प्रोसेस, कि वो आपके प्रोडक्ट का बिल निकालता है, आपके प्रोडक्ट को स्कैन करता है, उससे बिल निकलता है। अब यहाँ पर सब कुछ ऑटोमेटेड है, आपने प्रोडक्ट परचेस किया उसका बिल ऑटोमेटिकली जनरेट होगा और आपको ईमेल पे या आपके मोबाइल नंबर पे वो बिल डिलीवर हो जाएगा। सो इन दिस द बिजनेस प्रोसेस इज ऑटोमेटेड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। देन दिस सर्विस, नाउ द सर्विस इज हाउ क्विकली यू रिस्पॉन्ड टू एनी यूजर क्वेरी।
अब जनरली क्या होता है कि आपको आपको कोई प्रोडक्ट ख़राब हो गया तो आप दोबारा दुकान पर जाते हो, आपका आने जाने का खर्चा लगता है, आपका आने जाने का टाइम ख़राब होता है, तो उसमें थोड़ी जो सर्विस है उसमें डिले होता है। आप बार बार पूछते हो कि ठीक हुआ नहीं हुआ, आपको इन्फॉर्मेशन का पता नहीं लगता। जबकि यहाँ पर क्या, अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई या आपको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई सर्विस आपको चाहिए, तो आपको सिर्फ क्या करना है, वेबसाइट पर जाना है और सर्विस रिक्वेस्ट को रेज करना है। देन द इंटायर प्रोसेस इज ऑटोमेटेड और हर टाइम पे आपकी जो सर्विस का स्टेटस है वो आपको पता लगता रहेगा। सो इन दिस वी कैन से दैट द मैनेजमेंट ऑफ सर्विस, मैनेजमेंट ऑफ सर्विस इज बेटर एंड दैट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ बिजनेस और द गुड्स एंड दैट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ गुड्स। ठीक है, सो ये तीन प्रोस्पेक्ट्स के बारे में हम बात कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इन तीन प्रोस्पेक्ट्स को लेके हम ई कॉमर्स को डिफाइन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन हो गया, बिजनेस प्रोसेस हो गया और सर्विस हो गया। नाउ लेट अस सी द प्रोसेस ऑफ ई कॉमर्स, कि एक ई कॉमर्स का, एक ट्रेडिशनल ई कॉमर्स का प्रोसेस क्या होता है वो अब हम देखते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ ई कॉमर्स, अभी देखो बहुत सिंपल है प्रोसेस ई कॉमर्स का। अगर आपने कभी भी किसी ई कॉमर्स की वेबसाइट से कुछ चीज़ परचेस की है तो आप इजीली इसको समझ सकते हो। सबसे पहली चीज़ होती है, यहाँ पे हमारे पास एक यूज़र है। सो देर इज़ अ यूज़र। यूज़र क्या करता है, किसी भी ई कॉमर्स की वेबसाइट पर जाके एक चीज़ को ऑर्डर करता है, किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है। सो ऑर्डर प्लेस्ड, ऑर्डर प्लेस जैसे ही करता है तो आप देखते हो कि आपका जो शॉपिंग कार्ट है वो शॉपिंग कार्ट आपका फिल हो जाता है। सो दिस इज द शॉपिंग कार्ट। यूजर ने ऑर्डर प्लेस किया शॉपिंग कार्ट के अंदर। उससे अगला काम क्या है कि आपको कुछ पेमेंट करनी है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं पेमेंट। अब पेमेंट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होती है, हम आगे देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा यूज इन ई कॉमर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख सकते हैं थोड़ा सा स्पेसिफाई करने के लिए कि हम क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, स्मार्ट कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम NEFT भी कर सकते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं ऑर्डर को प्लेस करने के लिए जब हम पेमेंट करते हैं, आगे हम डिटेल में देखेंगे। So once the payment is done, the order is complete. तो यहाँ पर आपका एक order summary बन जाएगी। Suppose आपको एक order ID मिल जाएगा और आपने जो जो चीज़ें purchase की हैं और कितने price में purchase किए हैं उसकी यहाँ पर आपको एक receipt मिल जाएगी। So at this point order is completed. एक बार जब ऑर्डर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद क्या काम है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो वेयर हाउस के पास जाएगा, वहाँ से शिप हो जाएगा। सो यहाँ से एक जाता है वेयर हाउस के पास, सो दिस इज द वेयर हाउस। वेयर हाउस में से आपका आइटम को सिलेक्ट किया जाता है और उसको फिर आगे शिप कर दिया जाता है। और शिप करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेज यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रक का यूज़ हो सकता है, फ्लाइट से जा सकता है। एंड वंस द शिपमेंट इज़ कंप्लीटेड द ऑर्डर इज़ रिसीव्ड बाय द यूज़र। सो ऑर्डर रिसीव्ड बाय यूज़र। सो ये एक पूरा प्रोसेस है। अब इसमें एक और चीज़ होती है, जब ऑर्डर आईडी यहाँ पे कंप्लीट हुआ तो एक ईमेल भेजी जाती है टू द
customer and merchant both. So email is sent to customer and merchant. ठीक है, so this is the complete process of e-commerce. बहुत सिंपल है, जैसे आप यूज़ करते हो बिल्कुल वही चीज़ है, उसको एक डायग्राम की फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑन ई कॉमर्स, जिसमें हमने देखा कि ई कॉमर्स की डेफिनेशन क्या है. तीन प्रोस्पेक्ट से ई कॉमर्स की डेफिनेशन को स्टडी किया और ई कॉमर्स के प्रोसेस को विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम स्टडी किया. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स. थैंक यू.